इस भागम भाग की जिंदगी में चैन की सांस कैसे ली जाए? छाया गुप्ता अपनी सोच कास्ट जिंदगी की छाओ में बात करती हैं ध्यान, आशा और कई कल्याणदायक विषयों पे, जिसे सुन के हम अपनी जिंदगी को बेहतर नजरिए से देख और परख सकें। हेलो एवरीवन, आई एम छाया। अभी कुछ दिन पहले ही मैं और मेरी डॉटर आपस में डिस्कस कर रहे थे, तब एक टॉपिक निकल कर आया, बटरफ्लाई इफेक्ट। सोचा क्यों ना आज आपके साथ यही शेयर करूं। इसके बारे में सबसे पहले एडवर्ड लॉरेंस ने अपनी क्योस थ्योरी में बताया कि इस यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई ना कोई रीजन है। इसलिए कोई एक्टिविटी हमें छोटी क्यों ना लगे, एक बड़ा चेंज ला सकती है। एडवर्ड लॉरेंस के अकॉर्डिंग जब बटरफ्लाई अपने पंख हिलाती है, तब दुनिया के दूर कोने में एक बड़े तूफान की वजह बन सकता है। ऑब्वियसली ये साइंटिफिक ट्रू नहीं है, क्योंकि और भी वेरिएबल्स होते हैं, पर इस थ्योरी को समझाने का तरीका सिर्फ इतना ही था कि कुछ इंसिडेंट्स को हम बेवजह बेवजूद मान लेते हैं, लेकिन आगे चलकर उनकी वजह से एक बहुत बड़ा चेंज आता है। एक्शन का रिएक्शन लाइफ में जरूर होता है। हमारा हर पल बदल रहा होता है, और आने वाला पल क्या होगा, उस पर हम क्या कर रहे हैं, हमारी सोच क्या कर रही है, साथ ही हमारे सराउंडिंग्स की और लोग क्या सोचते हैं, वो भी रोल प्ले करता है। कभी कभी हम अपने इफेक्ट का इमीडिएट रिजल्ट देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग इंटर रिलेटेड एक्स्ट्रा इफेक्ट्स भी आते हैं, जिनसे हम अनजान होते हैं। अगर हम किसी नेगेटिव सिचुएशन में हैं, तो हमें ट्राई करना चाहिए इंस्टेड हम परेशान हों, हम अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाएं और उस वक्त को पास होने दें। हो सकता है ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए, या आपके लिए एक वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस हो। इसी तरह से यदि हमारी कोई हॉबी या इंटरेस्ट है, तो उसमें एंगेज रहें। काफ़ी बार हमें ऐसा लगता है कि हम जिस एज में हैं, उस एज में ये हॉबी एक टाइम वेस्ट है, क्योंकि हमारा वर्क या कैरियर फोरफ्रंट पर होता है। लेकिन लाइफ में हो सकता है यही हॉबी हमें लाइफ में आगे ले जाए। इसी बटरफ्लाई इफेक्ट को हम मिस्टर अनिल श्रीवत्स की लाइफ पर देख सकते हैं। ही इज अ बिलीवर एंड डूअर, हिज रिलीजन इज ह्यूमैनिटी। उन्होंने 2014 में अपने भाई को किडनी डोनेट की, और वहाँ से उनकी ऑर्गन डोनेशन कैंपेन की जर्नी स्टार्ट हुई विद टीम गिफ्ट ऑफ लाइफ एडवेंचर फाउंडेशन के साथ। नाउ इट्स हिज मिशन टू स्प्रेड मोर अवेयरनेस अबाउट ऑर्गन डोनेशन, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। और उन्होंने जो एक लाइफ सेव की, उससे हजारों लाइफ सेव करने का पोटेंशियल बन गया। ये है बटरफ्लाई इफेक्ट। इन अदर वेज, यदि हम डेली लाइफ में एवरीडे बहुत सी ऐसी बात होती हैं जो आगे चलकर एक बड़ा चेंज लाती हैं। यदि हम हमारी कुछ डेली गुड हैबिट्स हैं, तो वो हमें फ्यूचर में एक गुड रिजल्ट जरूर देंगी, और यदि हमारी कुछ बैड हैबिट्स हैं, तो उनका रिजल्ट हमें बैड ही मिलेगा। इसी तरह से यदि हमारी कुछ अच्छी हैबिट्स हैं, हमें डाइट के लिए हम कॉन्शियस हैं, हम योगा करते हैं, हम लोग अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर हैं, तो वो आने वाले 5 सालों में यदि हम देखेंगे, तो उसका हमारी बॉडी और माइंड पर एक गुड इम्पैक्ट आएगा। इसी तरह से यदि हमारी कुछ बैड हैबिट्स हैं, स्मोकिंग हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ पर, हमारी बॉडी पर एक अपना एक इम्पैक्ट उनका ठीक नहीं पड़ेगा। सो ऑलवेज डू योर बेस्ट, व्हाट यू प्लांट नाउ विल हार्वेस्ट लेटर। थैंक्स, स्टे सेफ।